हाय गाइस, 12th स्टैंडर्ड के एग्ज़ाम्स सभी चालू होने वाले हैं और हर एक स्टूडेंट का ये टेंशन है कि 12th के बाद हम क्या करें, हर एक पेरेंट्स का ये टेंशन है कि 12th स्टैंडर्ड के बाद हमारा क्या होगा। तो आज का ये मेरा वीडियो एक्चुअली में उन बच्चों के लिए है जो 12th के बाद कुछ कैरियर में करना चाहते हैं, कुछ लाइफ में करना चाहते हैं। तो गाइस, एक्चुअली 12th के बाद तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है कॉमर्स में। तो आज इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि 12th में 12th के एग्ज़ाम्स के बाद जैसे रिजल्ट आ जाएगी तो हम उसके बाद कौन सा कैरियर चूज़ करें। मैं डॉक्टर लाल तनवानी पद्मा कोचिंग क्लासेस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आई एम रिप्रेजेंटिंग पद्मा कोचिंग क्लासेस एंड पद्मा इंस्टीट्यूट ऑफ नॉलेज। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में कि 12th स्टैंडर्ड के बाद हमारा करियर क्या होगा। अगर मैं साइंस में देखूं तो साइंस में बहुत कम ऑप्शंस होते हैं बच्चों के पास। साइंस में या तो बच्चा मेडिकल में जाएगा या तो इंजीनियरिंग में जाएगा। लेकिन जहां तक सवाल है हमारे कॉमर्स का, कॉमर्स में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आज हम उन ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे कि किस कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है 12th कॉमर्स के बाद। फ्रेंड्स, मैं आपको ऐसे बता दूं, 12th के बाद सबसे बड़ा ऑप्शन अवेलेबल है बीकॉम। बीकॉम में बच्चा 3 साल अपने देगा, माना बीकॉम का जो कोर्स है वो रेगुलर कोर्स है, कॉलेज में जाना पड़ेगा। 3 साल का कोर्स अवेलेबल है। 3 साल के कोर्स में उसको 6 सेमेस्टर्स देने पड़ेंगे, यानी FY BCOM में 2 सेमेस्टर्स, SY BCOM में 2 सेमेस्टर्स और TY BCOM में 2 सेमेस्टर्स। बच्चा ग्रेजुएट हो सकता है कॉमर्स में अगर 3 साल में वो BCOM करेगा। लेकिन BCOM का ज़माना गया, पुराना हो गया। अगर हम BCOM करें करेस्पॉन्डेंस में, करेस्पॉन्डेंस का मतलब होता है कि हम BCOM करें यूनिवर्सिटी के साथ, तो यूनिवर्सिटी 3 साल का करेस्पॉन्डेंस में BCOM देती है। लेकिन हर बच्चा चाहता है कि बीकॉम के साथ में कुछ ना कुछ साथ में भी करूं। तो आज का ज़माना ये है कि हम 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में 2 डिग्री साथ में ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं 12th का स्टूडेंट हूं तो मैं बीकॉम करूंगा यूनिवर्सिटी के साथ करेस्पॉन्डेंस में और साथ में CA करूंगा। अब हर बच्चा चाहता है कि मैं CA करूं, लेकिन CA एक ऐसी चीज़ है जिसमें ट्रेन में हर एक आदमी चढ़ना चाहता है, लेकिन स्टेशन तक लास्ट के डेस्टिनेशन तक बहुत कम लोग पहुंचते हैं क्योंकि CA बहुत टफ है। तो CS क्यों नहीं करें, यानी कॉम्बिनेशन इज BCOM हम करेंगे, ग्रेजुएशन हम करेंगे थ्रू करेस्पॉन्डेंस और हम CS भी करेंगे। CS का मतलब होता है कंपनी सेक्रेटरी। हमारे पास तीसरा ऑप्शन है कि हम BCOM भी करें और BCOM के साथ ICWA भी करें। यानी अगर बच्चा चाहे, अगर प्लान करें, कैरियर की प्लानिंग करें, तो बच्चा BCOM के साथ CA या BCOM के साथ CS या BCOM के साथ ICWA करके अपने लाइफ को सेट कर सकता है। इन सभी कोर्सेज में BCOM में 3 साल लग जाएंगे और अगर साथ में आप CA कर रहे हो तो 5 साल लग जाएंगे। CS में भी आपको 3 अलग अलग ग्रेड्स देने पड़ते हैं और ICW में भी 3 अलग अलग एग्ज़ाम्स आपको देने पड़ते हैं। इनकी सारी इन्फॉर्मेशन्स इस वीडियो के साथ हम लोग वेबसाइट डाल रहे हैं, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन्स मिल जाएगी। अब रहा कि सर BCOM रेगुलर करें, BCOM करेस्पॉन्डेंस करें, नहीं तो क्या? हमारे पास तीसरी ऑप्शन है, क्यों नहीं हम BBA करें। BBA का मतलब होता है बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भी आज बहुत चल रहा है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो अपनी बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस में अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो वो स्टूडेंट्स चाहें तो BBA कर सकते हैं। BBA बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस में अवेलेबल है। आप कॉलेजेस के ग्रेड्स देख के उसमें एडमिशन्स ले सकते हो। लेकिन BBA के लिए HSC के एग्ज़ाम्स की बहुत इंपॉर्टेंस है। HSC में कितनी मार्क्स आप ले रहे हो वो बहुत मायने रखता है, उस हिसाब से आपको कॉलेज सेलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि BBA सिर्फ काफ़ी नहीं है,
बीबीए 3 साल का कोर्स है, लेकिन उसके साथ फिर आपको 2 साल एमबीए करना पड़ेगा, यानी आपको मास्टर्स करना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन में, मैनेजमेंट में, तो आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है। सर बीबीए नहीं तो नेक्स्ट क्या? हमारे पास बीएमएस का भी ऑप्शन है। बीएमएस का मतलब होता है बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडीज। बीएमएस भी 3 साल का कोर्स है। 3 साल के कोर्स में हम बच्चा 3 साल में 6 अलग अलग सेमेस्टर्स पास करेगा और 3 साल के बाद ही बिकम ग्रेजुएट। आफ्टर ग्रेजुएशन उसको फिर से मास्टर्स में जाना पड़ेगा, यानी बीएमएस के साथ बच्चा चाहे तो एमबीए कर सकता है। हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है वाई नॉट बैफ। वो लोग जो अकाउंट्स में और फिनांस में ज़्यादा एक्सपर्ट है और एक्सपर्टाइज रखना चाहते हैं, उनका फिनांस अच्छा है, उनकी अकाउंट्स अच्छी है, तो उनके लिए अवेलेबल है बैफ। बैफ का फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग एंड फिनांस। मैं फिर से रिपीट करूंगा, ये भी 3 साल का कोर्स है, ये भी 3 साल का कोर्स है, 6 अलग अलग सेमेस्टर्स देने पड़ते हैं और 6 सेमेस्टर्स के बाद आप ग्रेजुएट हो जाओगे, लेकिन फिर भी कहूंगा ग्रेजुएशन के बाद आपको मास्टर्स करनी ही पड़ेगी, मास्टर्स माना आपको एमबीए करना पड़ेगा। अगर बैफ के बाद आपको चाहिए तो मैं एक और ऑप्शन दे दूँ करियर ऑप्शन, जिसमें है बीएफएम। BFM is Bachelor in Financial Markets। वो लोग जो स्टॉक मार्केट में अपना करियर बनाना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट में मैं कुछ कर सकता हूँ, मेरी लाइफ में शेयर्स के बारे में, बॉन्ड्स के बारे में, फिनेंशियल मार्केट में मेरा बहुत अच्छा स्कोप है, तो BFM is good for them। BFM 3 साल का कोर्स है, 6 सेमेस्टर्स देंगे, लेकिन BFM करने के बाद अगर बच्चा मास्टर्स करता है तो ही कैन अर्न मिनिमम 70 to 80,000 रुपीज इन अ फर्स्ट ईयर ऑफ हिज लाइफ। माना जैसे आप मास्टर्स कर लेते हो तो आपकी सैलरी 70 to 80,000 जाती है, यानी BFM प्लस MBA कैन बी ए गुड ऑप्शन फॉर यू। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है, अगर बच्चा चाहे तो, अगर बच्चा चाहे जो कॉमन कोर्सेस है उससे हट के, कॉमर्स वाले बच्चे बहुत कम जाते हैं जर्नलिज्म में, आजकल जर्नलिज्म भी बहुत अच्छी फील्ड हो गई है, जर्नलिज्म और मास मीडिया एंड मास कम्युनिकेशंस 3 साल का कोर्स है, इसमें आप डिप्लोमास भी कर सकते हो। आजकल जर्नलिज्म बहुत चल पड़ा है मार्केट में, देखा जाए तो बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स है, सोशल मीडियाज है एंड प्रिंट मीडिया है, आप अपनी लाइफ के कैरियर को मास मीडिया में भी बना सकते हो। 3 साल का डिग्री कोर्स है, छोटा सा डिप्लोमास भी कर सकते हो, अलग अलग उसमें फील्ड है, आप उस डिप्लोमास करके, डिग्री कोर्स करके जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशंस में भी अपने कैरियर को एक्सप्लोर कर सकते हो। हमारे पास नेक्स्ट है, आजकल के ज़माने में आजकल इवेंट मैनेजमेंट, बहुत बच्चे आके पूछते हैं मुझसे, सर इवेंट मैनेजमेंट क्यों नहीं करें? इवेंट मैनेजमेंट एक बहुत अच्छी फील्ड है। इवेंट मैनेजमेंट में ये पक्का है कि 3 साल के कोर्स के लिए या छोटे छोटे डिप्लोमास भी है, आप अच्छे से किसी कॉलेज में जाके अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस में आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। इवेंट में खाली इवेंट नहीं है, इवेंट में फिर मार्केटिंग है, इवेंट में एडवर्टाइजमेंट है, इवेंट में स्टेज है, इवेंट में डांसेस है, इवेंट मैनेजमेंट बहुत वास्ट है। और आजकल के बच्चों को जैसे शौक है कि हम इवेंट मैनेजमेंट में जाएँ, आप चाहें तो इवेंट मैनेजमेंट में भी अपनी लाइफ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ऑप्शंस तो हजारों हैं, लेकिन होटल मैनेजमेंट, व्हाई नॉट प्रेफर टू होटल मैनेजमेंट? कुछ लोग चाहते हैं कि हम लोग क्यों नहीं होटल मैनेजमेंट में अपनी लक आजमाएं। होटल मैनेजमेंट मुंबई के, दिल्ली के बहुत सारे कॉलेजेस में अवेलेबल है। होटल मैनेजमेंट 3 साल का कोर्स है, लेकिन चाहे तो आप डिप्लोमास भी कर सकते हैं। और होटल मैनेजमेंट का ये मतलब कतई नहीं है कि आप खाली कुकिंग सीखेंगे, उसमें बहुत सारी फील्ड है, उसमें आप लोगों को हॉस्पिटैलिटी भी सिखाई जाती है, उसमें अलग अलग जगहों पे एचआर है, एचआर के साथ साथ मार्केटिंग है, मार्केटिंग के साथ एडवर्टाइजिंग है, ऐसी बहुत सारी फील्ड में एचएससी का बच्चा चाहे तो, एचएससी का स्टूडेंट चाहे तो अपनी फील्ड को एक्सप्लोर कर सकता है। होटल मैनेजमेंट, आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि मैं अपने बेटे को वकील बनाना चाहता हूँ, हम अपने बच्चे को एडवोकेट बनाना चाहते हैं, तो उन पेरेंट्स को जिनका सपना वकील बनना है, अपने बेटे को वकील बनाना चाहते हो, अपने बच्चे को वकील बनाना चाहते हो, एचएससी के बाद आप एलएलबी में भी जा सकते हो। एलएलबी मेरा नेक्स्ट ऑप्शन है, 5 साल का एलएलबी का कोर्स है,
जो उल्हासनगर में भी, कल्याण में भी, मुंबई में भी बहुत सारे कॉलेजेस में अवेलेबल है। एचएससी के एग्जैक्टली बाद अगर आप पेट का एग्ज़ाम दे देते हो और पेट के एग्ज़ाम्स के बाद आप चाहो तो एग्जैक्टली आप लोग एलएलबी में एडमिशन ले सकते हो। एलएलबी 5 ईयर का कोर्स है, एलएलबी के साथ फिर हम एलएलएम कर लेंगे आगे चल के फ्यूचर में, तो हमारा फ्यूचर बहुत अच्छा हो सकता है। जहाँ तक कैरियर्स का सवाल है, एक टीचिंग कैरियर भी तो हो सकता है। हर बच्चे की तमन्ना होती है कि मैं टीचर के जैसे बनूं। तो एचएससी के बाद बच्चा चाहे तो नर्सरी के अलग अलग टाइप के कोर्सेस आते हैं, नर्सरी जूनियर केजी और सीनियर केजी के कोर्सेस करके वो चाहे तो टीचिंग में भी अपना लक आजमा सकता है। माना टीचिंग इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कोर्स यू कैन हैव, टीचिंग में भी आप अपना करियर आजमा सकते हो। बहुत सारे बच्चों को आजकल लगता है कि फैशन डिज़ाइनिंग भी होनी चाहिए। वन ऑफ द मोस्ट अवेलेबल ऑप्शन इज फैशन डिज़ाइनिंग। तो आप चाहो तो अपने फैशन डिज़ाइनिंग में भी लक आजमा सकते हो। फैशन डिज़ाइनिंग 2 किस्म का होता है, एक होता है डिग्री कोर्स, डिग्री 3 साल का होता है और डिप्लोमा 2 साल 1.5 साल के प्राइवेट कॉलेजेस एंड गवर्नमेंट के कॉलेजेस भी अवेलेबल हैं। इनकी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे इस वीडियो के साथ नीचे दी हुई इन्फॉर्मेशन में मैं अलग अलग वेबसाइट्स डाल रहा हूँ, उन वेबसाइट्स में आपको फैशन डिज़ाइनिंग की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। दोस्तों, हमारे पास आजकल के बच्चे होशियार है, स्मार्ट है, स्मार्टफोन्स में भी और मोबाइल्स में भी, तो क्यों नहीं बच्चों को हम कंप्यूटर्स के ग्राफिक्स और वेब डिज़ाइनिंग्स करा सकते हैं। तो ग्राफिक्स एंड वेब डिज़ाइंस में भी हमारा कैरियर बन सकता है। 12th के बाद आप अच्छी तरह से, अगर आप गवर्नमेंट के कॉलेजेस में जा सकते हो, प्राइवेट कॉलेजेस में जा सकते हो और अलग अलग टाइप के कंप्यूटर्स और ग्राफिक्स के वेब डिज़ाइनिंग के कोर्सेज कर सकते हो। यानी आप अपने ज़िंदगी में कंप्यूटर्स पे लाइफ, अपनी लाइफ बना सकते हो, अपना कैरियर बना। दोस्तों, ये मेरा वीडियो, एक्चुअली मैं इस वीडियो के थ्रू ये बताना चाहता था कि कौन से कैरियर्स अवेलेबल है। बच्चे चाहें तो इसके लिए नीचे दिए हुए वेबसाइट्स पे जा सकते हैं, वेबसाइट्स में आपको सारी इन्फॉर्मेशन्स मिल जाएगी। हम एक और वीडियो रिलीज़ करेंगे जिसमें हम लोग और आपको ऑप्शंस देने वाले हैं। मुझे सुनने के लिए और मेरे वीडियो देखने के लिए थैंक यू।